तुमने इसे खरीद भी लिया? हाँ बिल्कुल, अब मैं चलता हूँ दोस्तों। अरे सुनियो, देखने दे दो मुझे भी। जितना दिखाना था दिखा दिया, अब मैं तुम्हें और नहीं दिखा सकता नोबिता। अब मैं चलता हूँ। ये गलत बात है सुनियो। जी आनिया नहीं है। अब मैं बिना डरे अपनी गेम खेल सकता हूँ। जिया नहीं आएगा, कितना मजा। अरे नहीं, अरे ये क्या चीज है? जियान उसके अंदर मत देखना, उसके अंदर बहुत ही खराब चीज है, बिल्कुल मत देखना, ठीक है ना मेरे दोस्त? तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। कमाल है, ये तो एकदम नया वाला गेम है। सुनियो मेरे दोस्त, क्या तुम ये मेरे लिए लेकर आए? बिल्कुल नहीं, वो गेम नई नई मार्केट में आई है, वो सिर्फ मेरी है, तुम इसे नहीं ले सकते जियान। तो क्या तुम ये मुझे नहीं दोगे? नहीं मेरा मतलब नहीं था जियान, गलत मत समझो। तो ठीक है ना, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त सुनियो का। वो फिर से मेरी नई गेम लेकर चला गया। मेरे साथ हमेशा जियान ऐसा ही करता है, ऐसा क्यों होता है? जियान मुझसे ज्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से वो हमेशा ऐसा करता है। काश मैं भी ताकतवर होता। मैं चलता हूँ। अगर मैं भी बड़ा और ताकतवर होता तो जियान मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर पाता। जियान ऐसा क्यों करता है? मैं ताकतवर क्यों नहीं हूँ? समझ में नहीं आता, कोई ताकतवर बना दो। एक आइडिया है। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे शरीर को बड़ा बना दे? हाँ सही कहा, ताकतवर और बड़ा बना दो मुझे। अगर ऐसा तुम कर पाते हो तो जियान फिर मुझसे कोई भी चीज नहीं ले पाएगा। मेरी मदद करोगे ना? मुझसे बात मत करो, गेम दिखाते वक्त तो कितनी बुरी तरह बात कर रहे थे। पहले ये बताओ तुम ये करना ही क्यों चाहते हो? चिरू चिरू को सब परेशान करते हैं उसकी वजह से। क्या कहा? चीरू चीरू मतलब तुम्हारा पेट? हाँ, वो रोज चूट खा कर लौटता है क्योंकि बड़ी बिल्लियाँ उसे परेशान करती है दोस्तों। इस तरह चीरू चीरू भी बहुत छोटा सा है और कमजोर है, इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर वो थोड़ा और बड़ा हो जाता तो कितना अच्छा हो जाता ना दोस्तों। मैं बात समझ तो रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? एक बिल्ली होने के नाते मुझे दूसरी बिल्ली की मदद करनी ही चाहिए। देखो सुनियो, इसे किसी भी जीव पर डाला जाए तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। क्या सच में? अच्छा है तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया डोरेमोन। पर ध्यान दे, ज्यादा मत डालना। ठीक है ठीक है। क्या वो कर पाएगा? इसको छिड़कते ही मेरा काम हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है, ये तो कमाल का गेम है। ये लो ये लो ये लो ये लो। जियान घर पर है? अरे आज तो मजा आ गया ये गेम खेल के। अरे सुनियो, ये तुम ही हो? हाँ मैं ही हूँ जियान, तुमने सही कहा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, समझ गए? जियान हमेशा ऐसा करता है मेरे साथ। लगता है मुझे थोड़ा और छिड़कना पड़ेगा। जियान, अरे ये नहीं मानेगा ऐसे, तुम ऐसे नहीं माने। अरे जल्दी से मेरी गेम लेकर आओ। मैं अभी ला दूँ, अभी ला दूँ, दो मिनट। ये लो सुनियो, मैं हूँ सबका रॉकस्टार, मैं हूँ कितना बड़ा और ताकतवर, सबसे बड़ा और आएगा उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुत ही बड़ा हूँ, कोई भी मुझसे नहीं टकरा सकता है।
मैं हूँ बड़ा सुनियो, मैं हूँ बड़ा सुनियो, जो भी मुझसे टकराएगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मॉम देखो ना वो कितना बड़ा लड़का है। अरे नहीं नहीं, उसके पास मत जाओ। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि मैं सबसे ऊपर और बड़ा हूँ। लगता है मेरा वजन कुछ ज्यादा ही हो गया है। ये क्या है? ये कैसी आवाज है? ये डायनासोर है। डरो मत दोस्तों, मैं हूँ। इसका मतलब तुमने वो इंस्टेंट ग्रोअर अपने ऊपर छिड़क लिया है ना? तुम्हारी दी हुई चीज को अपने ऊपर ज्यादा छिड़क लिया। अरे तुम तो बहुत ज्यादा ही बड़ी होगी। मैंने तुमसे कहा भी था कि इसे ज्यादा मत छिड़कना, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब ये सब बातें बाद में करना, मुझे ठीक करो। चाहे कोई चीज कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरा बंद करो और जल्दी से काम करो। ये तुमने क्या किया? अब मेरे पास ऐसा कोई भी गैजेट नहीं बचा है। मुझे माफ कर दो डोरे, बहुत कुछ करो ना प्लीज जल्दी। लगता है तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है सुनिया। तुम्हें कुछ करना होगा डोरेमोन, प्लीज जल्दी कुछ करो ना। मुझे इतना आसान नहीं है। नहीं छुप जाओ, क्योंकि अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये सही है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इसे कोई ढूंढ पाएगा। ये तो पूरी तरह टूट गया है। इसे जोड़ने में काफी वक्त लगेगा और शायद मैं इसे ठीक नहीं कर पाऊंगा। प्लीज कुछ करो ना डोरेमोन, ऐसा मत कहो, मेरी मदद करो, तुम्हें कुछ करना होगा, कुछ करो ना। तुम चाहे कुछ भी कहो, मुझे मम्मा के पास जाना है। तुम रोना बंद करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मुझे मम्मा के पास जाना है, प्लीज जाने दो। ये क्या? वो तो और बड़ा हो रहा है। अरे नहीं, अब हम इसे कैसे छुपाएंगे? सुनियो तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, रोना बंद करो। सुनियो मुझे घर वापस जाना है, कोई मेरी मदद करो। हो जाइए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम हैं आपके लिए। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो तैयार हो जाओ। यस सर। पहले शहर के लोगों की सुरक्षा करनी है। जी सर। मम्मा मैं आ रहा हूँ। वो अचानक कैसे चुप हो गया? अरे नहीं, मुझे टॉयलेट जाना है। मुझे कुछ ढूंढना होगा। क्या करिए, मैं थोड़ी देर आ जाऊंगा। अब सब कुछ सही लग रहा है। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। ये इतना बड़ा हो गया था कि मुझे तो डर लगने लगा था। हाँ बिल्कुल सही कहा। सब ठीक हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। मैं जाकर स्मॉल लाइट ठीक करता हूँ। ओके। हाँ डोरेमोन, वो काम बहुत जरूरी है, जल्दी जाओ। वो तुम्हारी वजह से ही टूटी है, ये बात मत भूलो तुम, समझे? मुझ पर गुस्सा मत करो, उसे ठीक तुम्हें ही करना होगा। सुनियो, तुम
तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम कितने भी बड़े हो जाओ, अंदर से तुम डरपोक ही रहोगे। लेकिन भूलो मत कि तुम तो सबसे बड़े डरपोक हो नोबिता। वैसे नोबिता को भी इतने अच्छे आइडियाज आ सकते हैं। शायद हाँ, बात ये है कि मुझ जैसा हीरो तभी कमाल कर पाता है जब वो किसी मुसीबत में पड़ जाता है। आप अपनी तारीफ करना बंद भी करो नोबिता। ये सर आपका स्टॉप, चलता हूँ। देखा जाए तो नोबिता का आइडिया बुरा नहीं था। मैं बड़ा नहीं हो पाया, लेकिन आसपास के सभी चीजें और सभी लोग बहुत बड़े हो गए। बिग लाइट। नोबिता से ऐसी समझदारी की उम्मीद मुझे नहीं थी। सुनियो, मैं भी बहुत समझदार हूँ। सुनियो, चलो अब मैं जाकर स्मॉल लाइट ठीक करता हूँ, ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, वरना अगर कोई शहर के बाहर चला गया तो मुसीबत हो जाएगी। सोने की चैंपियनशिप। हाय नोबिता, क्या बात है? कल तो फील्ड डे है ना? वो तो मजेदार होता है। मुझे रिले रेस में चुना गया है, मेरी वजह से मेरे दोस्त हार जाएंगे, उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, सब मुझ पर बहुत हंसेंगे। रेसेस में भागना, ग्रुप एक्सरसाइज करना, मैं इसके लिए नहीं बना, उनसे कुछ भी नहीं होता। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर एक या दो बातें अच्छी है ही शायद। हाँ हाँ, याद आया, तुम्हारी सोने की आदत कितनी अच्छी है, तुम कहीं भी सो सकते हो। देखा, मेरे बोलने से पहले ही सो गया। अगर सोने की चैंपियनशिप की जाती तो नोबिता एक वर्ल्ड चैंपियन होता। हाँ सही कहा। क्यों ना हम नींद का कंपटीशन करें? क्या सच में यहाँ पर नींद का कंपटीशन हो रहा है? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? हे सुनियो, अगर तुम नहीं सोई तो तुम्हारी खैर नहीं है, याद रखना। ज्ञान सुनो, अगर तुम उसे मारोगे तो वो बेहोश हो जाएगा। सही कहा तुमने सुनियो, बेहोश तो हो ही नहीं सकता। और उसमें कोई बात नहीं अगर सुनियो नहीं सो पाए तो, क्योंकि हमारा एंकर कोई और नहीं नोबिता है। और बाकी सभी एंकर की बारी आने लगी है। सुनियो सो जाओ और नोबिता की बारी आने दो। नोबिता, दूसरी टीम का एंकर अभी तक सो नहीं पाया है। इसमें मत करे, इसमें मुझे कोई नहीं हरा सकता। अरे नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। उसने कर दिखाया, हम जीत गए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब क्या हो गया? मैं घर आ गया। बताओ ना कैसा हुआ? हम लोग चैंपियनशिप जीत गए, और क्या? ये तो अच्छी बात है। ये लो, अब तुम जल्दी से सो जाओ। चलो जल्दी, अपने सोने की काबिलियत में सुधार लाने के लिए तुम्हें ये करना होगा। अच्छा ठीक है, पर अभी मैं सीढ़ी पर सोकर ही आ रहा हूँ। ये क्या, तुमने पूरे 6 सेकंड लगा दिए। चलो जल्दी उठो, उठो 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 उठो। बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया सोने में, और किस में? अभी भी पूरे 30 सेकंड लगा दिए। नोबिता उठो, नोबिता उठो। मुझे बार बार क्यों परेशान कर रहे हो? ऐसे तो तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीत पाओगे। एक वर्ल्ड चैंपियन, इसका मतलब? मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सोने वाला कंपटीशन है, और इस कंपटीशन में तुम अपने देश की तरफ से हिस्सा लोगे। देश के रिप्रेजेंट, पूरी दुनिया को तुम्हारे सोने का इंतजार होगा। जी हाँ, आप
वक्त आ गया है जब होता है सपनों का महासंग्राम वर्ल्ड नैप चैंपियनशिप। और आज है हमारे साथ हमारे गेस्ट कमेंटेटर देखी सुधी, जो कि हम सबके पसंदीदा नोबिता के क्लासमेट है। आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखी सुधी, लगता है कि इस साल बहुत ही तगड़ी प्रतियोगिता होने वाली है, क्या कहते हैं? जी हाँ, जोसे नैप्स जो कि स्पेन से हैं, उन्हें लोग नींद का शहंशाह कहकर बुलाते हैं। दे स्लीपर ब्राजील से हैं, उन्हें नींद का देवता कहा जाता है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि नोबिता को इस देश में कोई भी हरा सकता है, और इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। अरे वाह नोबिता, तुम ये कर सकते हो। जानती हूँ, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड काफी तेज है, सिर्फ 1.52 सेकंड। हाँ जी हाँ, मुझे पता है, और उसका रिकॉर्ड टूटते हुए देखने में मजा आएगा। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है वर्ल्ड नैप चैंपियनशिप के शुरू होने का। नोबिता, तुम्हें बाकी लोगों को देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले आएंगे नींद के शहंशाह जोसे नैप, जो कि है स्पेन से। कमाल है, और सबसे पहले प्रतियोगी ने ही हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में डेकी सुधी? मुझे लगता था नोबिता के रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल है, पर इसे तो पहले ही प्रतियोगी ने तोड़ दिया है। पर कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो कोई ना कोई कमाल जरूर दिखाएगा, हमें बस इंतजार करना है। अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम हार जाओगे नोबिता। नहीं बेटा, मैं कर लूंगा। कैसी सोच है तुम्हारी, जब देखो तो तुम्हारा ध्यान सोने पर ही होता है। सोने के लिए सबसे जरूरी होता है एक शांत दिमाग। मेरा दिमाग तो कभी नोबिता की तरह शांत ही नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, लगता है नोबिता आज हार जाएगा। देखो अगला प्रतियोगी आ गया है, और अब आ रहे हैं नींद के देवता, जिनसे भगवान को भी जलन होती है, डी स्पीपो, जो कि ब्राजील के रिप्रेजेंटेटिव है। उन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जरा रुको, लगता है रेफरी के साथ कोई परेशानी हुई है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की, वो तो चीटर है। उसको देखो, देखकर ही लग रहा है उसने चीटिंग की है। ये रकून स्लीप है, और रकून स्लीप किसी चीटिंग से कम नहीं होती, वो बिल्कुल डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। डी स्पीको की नींद को रकून स्लीप पाया गया है, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, और ऐसा होना बहुत ही बुरी बात है। एक स्लीप एथलीट को तो सपने में भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अब इसके बाद यहाँ आए सभी लोगों को इंतजार है नोबिता के रिकॉर्ड का। चलो अच्छा हुआ कि वो डिस्क्वालीफाई हो गया, लेकिन अभी तुम्हें एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ना है नोबिता। यस है। नोबिता, मुझे रिकॉर्ड से फर्क नहीं पड़ता, मैं बस खुले आसमान में सोना चाहता हूँ। नोबिता, अच्छी सोच है। और अब आ रहे हैं नोबिता, ये नन्हे से धुरंधर हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तुम ये कर सकते हो नोबिता। हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। उसने अपनी पूरी कोशिश से ये जीता है,
ये लोग कमाल कर दिया नोबिता ने, बहुत अच्छे नोबिता। और नोबिता ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो कोई नहीं तोड़ सकता। और सब देखिए, चैंपियन बनने के बाद भी वो कैसे गोले बेचकर सो रहे हैं। मजा आ गया, मुझे बहुत खुशी है कि तुम चैंपियन हो। नहीं पड़ता मुझे सोना। तो क्या तुम ही नोबिता हो? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। आप लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं? जानना चाहोगे तो हम हैं मैन इन स्पेस। हम नोबिता की सारी सोने की शक्ति को सोख लेंगे और फिर सारी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। अरे रुक जाओ, तुम ऐसे इसे नहीं ले जा सकते, रुको। आपका बहुत शुक्रिया सर। तुम्हें मेरे साथ चलना है नोबिता। पहले ही कहा था, इसीलिए मैं तुमसे थोड़ा आराम कर लेता हूँ।